नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। हमारे देश में अदालत एक मसला हल नहीं करती कि उसके बाद तुरंत दूसरा विवाद खड़ा हो जाता है। अब देखिए ना, भगवान श्री राम की जन्मभूमि को लेकर कई सालों तक निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक लंबा विवाद चला। 2019 में इस मुद्दे पर जारी कानूनी जंग का तब पटाक्षेप हो गया जब सुप्रीम कोर्ट का इस पर अंतिम फैसला आया। उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया। लेकिन अब भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी की जन्मभूमि पर भी विवाद शुरू हो गया है। वैसे ये विवाद दो धर्मों के बीच नहीं बल्कि दो राज्यों की धार्मिक संस्थाओं के बीच है। क्या है ये पूरा मामला, आइए समझते हैं। असल में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने अलग अलग स्थानों पर हनुमान जी के जन्म का दावा किया है। आंध्र प्रदेश में मौजूद तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD बुधवार को अंजनाद्री मंदिर में एक समारोह आयोजित करने जा रहा है, जहां पिछले साल अप्रैल में रामनवमी पर हनुमान जन्मस्थान के रूप में औपचारिक अभिषेक किया गया था। लेकिन कर्नाटक का श्री हनुमान जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इस बात से सहमत नहीं है। इस ट्रस्ट का दावा है कि वाल्मीकि रामायण में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि हनुमान जी का जन्म किष्किंधा के अंजनाहल्ली में हुआ था। माना जाता है कि ये स्थान हम्पी के निकट तुंगभद्रा नदी के किनारे मौजूद है। वहीं दूसरे पक्ष यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम कमेटी का कहना है कि पुराणों और शिलालेखों जैसे प्राचीन ग्रंथों में साफ तौर पर हनुमान जी के जन्मस्थल के रूप में अंजनाद्री का उल्लेख किया गया है, जिसे अब तिरुमाला कहा जाता है। अप्रैल में TTD ने अंजनाद्री के दावे को रेखांकित करते हुए एक बुकलेट भी पब्लिश की थी, जो दिसंबर 2020 में गठित 8 सदस्यीय पैनल की एक रिपोर्ट पर आधारित थी। लेकिन कर्नाटक के हनुमान जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 6 पन्नों के अपने एक लेटर में TTD के इस दावे का विरोध किया था। TTD ने कई वैदिक और धार्मिक विद्वानों द्वारा स्वीकार किए गए पौराणिक, साहित्यिक, पुरातात्विक और भौगोलिक साक्ष्यों के आधार पर यह दावा किया है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के CEO जवाहर रेड्डी ने मीडिया से कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रचित रामचरितमानस में इस संबंध में ठोस प्रमाण मिलते हैं। इससे पहले राम भक्त हनुमान के जन्म स्थान को लेकर चल रहे इस विवाद को सुलझाने के लिए पिछले साल मई में बातचीत हुई थी, लेकिन दोनों ही राज्य किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। तो ये थी हनुमान जन्म स्थान को लेकर दो राज्यों के ट्रस्टों के बीच पनपे मतभेद की कहानी। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट। नमस्कार।